नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम एक नजर में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 15 अगस्त से लगेगा प्लास्टिक के कप प्लेट पर प्रतिबंध, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। 31 मार्च 2012 को विरोधियों का मुंह बंद कराएंगे परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी ने बनाया 14वां स्थापना दिवस। और मजदूर दिवस पर भिड़े मजदूर नेता, झंडा लहराने को हुआ विवाद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि 15 अगस्त 2011 से राज्य में हर प्रकार के प्लास्टिक कप और प्लेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को लखनऊ में विश्व संवाद केंद्र द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। गौर रहे कि राज्य में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कृषि एवं संबंध गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कुल योजना बजट का 12% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य ने किसान बागवान समृद्धि योजना, दूध गंगा योजना और अन्य कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके सुखद परिणाम सामने आए हैं। तथा एक प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा करवाए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि राज्य लीडरशिप पुरस्कार 2010 प्रदान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं मंडी बस स्टैंड की, जो 31 मार्च 2012 को शुरू कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2012 को मंडी बस स्टैंड में बसों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को निर्माणाधीन बस स्टैंड के कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत के चैनल से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में बसों के लिए आइडल पार्किंग का प्रावधान भी कर दिया गया है। मैं उन सभी मित्रों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो 31 मार्च 2012 को हम इस बस स्टैंड का विधिवत रूप से बसों के लिए आवागमन के लिए इसको शुरू करने वाले हैं। तो जिस दिन ये शुरू होगा मैं उन सबको उस दिन बुलाऊंगा और उनको कहूंगा कि अब आप देखिए कि बस स्टैंड जो है वो किस प्रकार का बना, कितना कमर्शियल एरिया इसमें है, कितना इसमें बसों के लिए प्रावधान है। और जो आज मैंने इसको बड़े नज़दीक से देखा है, जो बस स्टैंड का जो स्लैब पड़ेगा उस स्लैब के पीछे लगभग 6 मीटर 20 फुट से लेकर के 25 फुट तक का जो एरिया हमारे को एक ऐसा स्पेस मिल गया जो कि बसेस के लिए आइडल पार्किंग का के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां ऊपर भी लगभग कोई 30 बसें जो है यहां पर पार्क की जा सकती हैं। रविवार को सुबह सवेरे मंडी बस स्टैंड के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने हो रहे कार्य की एक एक चीज को बारीकी से जांचा और विभागाधिकारियों से सारे कार्य का ब्यौरा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर भी जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 से कांग्रेस की सरकारें मंडी में बस स्टैंड बनाने का केवल मात्र ढिंढोरा पीटती आई और अब जब बस स्टैंड बन रहा है तो कांग्रेस के नेता इस पर अनाप शनाप बयानबाजी करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2012 को विरोधियों के मुंह पर ताला लगने वाला है। श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पंडित सुखराम जी दूरसंचार मंत्री भारत सरकार के बीच में थे, उन्होंने इसका शिलान्यास रखा। बीजेपी वालों ने तो उनको रोका नहीं, मंडी की जनता ने उनको रोका नहीं, किसी पत्रकार मित्रों ने उनको रोका नहीं कि आप इसका निर्माण कार्य को शुरू ना करें। अगर वो 1993 से लेकर के 2009 तक इस काम को शुरू नहीं कर सके तो अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि वो कितने कार्य अपने कार्य में कितने कार्य कुशल हैं। अगर हमने शुरू किया है और उनके पेट में दर्द हो रही है तो दवा जो है मैं 31 मार्च 2012 को दूंगा जिस दिन चालू किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बीओटी आधार पर 7 आधुनिक सुविधाओं वाले बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए मंत्रिमंडल से भी अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि मनाली, ढली, चिंतपूर्णी, ऊना, हमीरपुर, परमाणु और बद्दी में बस स्टैंड का बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की निविदाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन बस स्टैंड पर 360 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। हम 7 नए बस स्टैंड डीबीओटी बेसिस पे बनाने जा रहे हैं जिसपे लगभग 360 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे और उसमें भी मंत्रिपरिषद की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। बड़ी जल्दी ही हम उसको एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आएं और प्रदेश के 7 नए बस स्टैंडों का निर्माण कार्य जो है वो उसका शुरू करें, जिसमें कि विशेष करके हमीरपुर, मनाली, चिंतपूर्णी, ऊना, ढली और हमारा परमाणु और बद्दी के बस स्टैंड है, वो भी एक सुंदर बस स्टैंड जो है वहाँ पर बनाने का। इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ जिला के प्रशासनिक अधिकारी और एचआरटीसी के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
तो 31 मार्च 2012 को परिवहन मंत्री अपने विरोधियों का मुंह बंद करने जा रहे हैं। बहरहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी की, जिसने अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। वृंदावन स्थित हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को चले हुए 14 वर्षों का लंबा अंतराल बीत चुका है और इस फोटो गैलरी में आने वाला हर शख्स एक ही छत के नीचे पूरे हिमाचल के दर्शन तस्वीरों के माध्यम से कर पा रहा है। रविवार को फोटो गैलरी का 14वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उपायुक्त मंडी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रविवार को वृंदावन स्थित हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी में खासी रौनक देखने को मिली। मौका था फोटो गैलरी के 14वें स्थापना दिवस का। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंडी जिला उपायुक्त डॉक्टर अमनदीप गर्ग, अपनी पत्नी एवं अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर आरती गर्ग सहित उपस्थित हुए। इस मौके पर डॉक्टर गर्ग ने फोटो गैलरी की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में उपायुक्त मंडी ने फोटो गैलरी के उन तमाम सदस्यों के कार्यों की सराहना की, जिनकी बदौलत आज यह गैलरी इस मुकाम तक पहुंच पाई है। उन्होंने मंडी जनपद के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए अन्य के मुकाबले ज्यादा सजग हैं। मैं समझता हूँ कि मंडी एरिया के लोग काफी कॉन्शियस हैं इस चीज के बारे में और अक्सर प्रिंट मीडिया में यहाँ के जो जागरूक सिटीजन्स हैं, स्पेशली आप सब लोग जो यहाँ पे अक्सर मेरे को ऑफिस में या दूसरी तरह से मिलते रहते हैं, अक्सर आप लोग यहाँ की आर्ट कल्चर ट्रेडिशंस इसको मेंटेन करने और प्रिजर्व करने की बात आप करते रहते हैं। एक तरह से एक जागरूक सिटीजनरी का रोल जो है आप सब लोग प्ले करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में अभी भी उतनी सेंसिटाइजेशन नहीं है इन चीजों के बारे में। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे और फोटो गैलरी के अब तक के सफर पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। फोटो गैलरी के संस्थापक बीरबल शर्मा ने इस अवसर पर गैलरी की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी को हिमाचल प्रदेश के दर्शन एक छत के नीचे हो सके, इसी उद्देश्य से उन्होंने इस गैलरी की शुरुआत की है। बीरबल शर्मा ने कहा कि आज उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया है कि केवल मात्र शिमला मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्रों का नाम ही हिमाचल नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है वो शिमला मनाली में नहीं बसता है, कहीं और बसता है, तो उसे अगर वास्तव में लोगों को दिखाना है, देश दुनिया के लोगों को दिखाना है और यहाँ हिमाचल के लोगों को दिखाना है, मंडी के लोगों को दिखाना है, तो सभी लोग जो है मेरे अपने नजरिए से अभी उन स्थानों पर नहीं गए होंगे, चाहे वो वहीं के रहने वाले हों। और इसका मैं तो इतना ही उदाहरण देता हूँ, सामने रेड धार है और हो सकता है मंडी के 90% लोगों ने कभी रेड धार पर जाकर मंडी शहर को नहीं देखा। इस मौके पर फोटो गैलरी के सदस्यों को मंडी जिला उपायुक्त द्वारा शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर स्थानीय कलाकारों ने लोकगीतों के माध्यम से उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में शहर के तमाम कला प्रेमी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल वृंदावन। तो अगर आप भी हिमाचल के दर्शन एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं तो ये मेरी राय है कि हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी में जरूर जाइए। बहरहाल कार्यक्रम में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि मजदूर दिवस पर भिड़े मजदूर नेता। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर J.S. फोगाट से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यूपीटी कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर।
एक और जहां देश भर में मजदूर दिवस की धूम रही, वहीं नैर चौक स्थित निर्माणाधीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर मजदूर संगठन सीटू और बीएमएस के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दोनों दल के कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज में झंडा गाड़ने को लेकर कुछ इस कदर उलझे कि एसडीएम को मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। नैर चौक में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों के लिए इस बार का मजदूर दिवस हमेशा के लिए यादगार बनकर रह गया। इस दिन जहां मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जानी थी, वहीं मजदूर दलों के नेता इस बात को लेकर उलझ गए कि परिसर में झंडा कौन गाड़ेगा। जब से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तभी से ही परिसर में बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ का झंडा लगा हुआ है, मगर इस बार सीटू ने भी अपना झंडा गाड़कर बीएमएस कार्यकर्ताओं को आग बबूला कर दिया। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में कुछ इस कदर उलझ पड़े कि दोनों दलों में जमकर हाथापाई हो गई। पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर घेरा डालकर पीछे की तरफ खदेड़ा और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। इस बीच दोनों धड़ निर्माणाधीन कॉलेज के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते रहे। हर एक आदमी को चाहे सात आदमी करे उसका जूनियर बनाने का हक है। पहले तो ये है सर, पहले यह भी हर एक कोई भी आदमी है सात आदमी खड़े होकर यूनिट बना सकते हैं, एक बात। दूसरा जो झंडा है वो अपने अपनी यूनिट का प्रतीक है, उसको मैं मानता हूँ, होना या ना होना मैंने नहीं रखता, हम भी मानता हमारे साथ ज्यादा होता है मानता, ये नहीं सुनिए सर। उसके लिए ये है कि कोई भी यूनियन जो है वो अपना झंडा लगा सकती है, पर दूसरे को बिना हाल्ट किए, ये नहीं मैं इसका नहीं लगने दूंगा और इसका अपना लगाऊंगा। हम इनका झंडे को कुछ नहीं कर रहे, इनका झंडा लगा हम स्वागत करते हैं, पर हमारा बात यहां तक बढ़ गई कि डीएसपी नरेंद्र कुमार को एसडीएम सदर विनय कुमार को मौके पर बुलाना पड़ा। एसडीएम सदर ने सीटू को प्रशासन की तरफ से झंडा गाड़ने की अनुमति प्रदान कर दी और साथ ही दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों को मंगलवार को मंडी में हाजिरी भरने के आदेश भी जारी कर दिए, जहां संविधान के दायरे में उपायुक्त से विचार विमर्श कर यह तय किया जाएगा कि कॉलेज परिसर में किस संगठन का झंडा लहराएगा। एसडीएम विनय कुमार के हस्तक्षेप से मिली अनुमति के उपरांत सीटू कार्यकर्ताओं ने परिसर गेट के बाहर लाल झंडा गाड़कर मजदूर दिवस को धूमधाम से मनाया। मजदूर दिवस का जो झंडा है, मजदूर दिवस का कोई झंडा वहां पर नहीं लगा था, यानी कि हम हमारी परंपरा है कि जहां पर भी हम जो मई दिवस मनाते हैं उस स्थान पर जो हम हर वर्ष जिस स्थान पर भी हम जो ऐसे मजदूर दिवस मनाते हैं वहां पर जो झंडा रोहण करते हैं, यानी कि और अपने मजदूर मई जो मजदूर दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इसको मनाने को वहां पर सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें पिछले वर्ष की जो भी गतिविधियां गतिविधियां की होती हैं आंदोलन की होती है उसकी वहां पर हम चर्चा करते हैं। भविष्य में हम प्रशासन से इस तरीके का यानी कि चाहेंगे कि इस तरीके की जो असामाजिक तत्व जिस तरीके का जो यानी कि वो एक खलल यानी कि वो खलल डालने का प्रयास करते हैं उस पे जो है कुछ लगाने का प्रयास जो प्रशासन करे। इस मौके पर सीटू की ओर से जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा, किसान सभा संयोजक परसराम, आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेशाध्यक्षा इंदिरा ठाकुर, जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा गीता, सीपीएम सचिव जोगिंदर वालिया, बीबीएमबी एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव चरणजीत सिंह सिद्धू तथा बीएमजेएस की ओर से कामगार संघ के प्रदेश महामंत्री प्रभुनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, ललित गुलेरिया, राजेंद्र गुलेरिया तथा जयपाल राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। नैर चौक से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। मजदूर दिवस पर एक और जहां नेता झंडा गाड़ने को लेकर आपस में उलझते हुए नजर आए, वहीं कुछ मजदूर ऐसे भी दिखे जो इन सब बातों से दूर अपनी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श करने में मशरूफ थे। जोगिंदरनगर मंडल के मजदूर इस बार भी मजदूर दिवस पर बैठक करके अपनी नियमिति का इंतजार करते रहे। करीब 15-16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे मजदूरों को लोक निर्माण विभाग का जोगिंदरनगर मंडल आज दिन तक पक्का नहीं कर पाया है। इसी बात को लेकर मजदूरों ने मजदूर दिवस के मौके पर सीटू के बैनर तले जोगिंदरनगर स्थित सामुदायिक भवन में मंडल स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता माकपा के राज्य सचिवालय सदस्य कुशाल भारद्वाज ने की। इस मौके पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके मजदूरों को पक्का करने की बात करती है, वहीं जोगिंदरनगर मंडल में 15-16 वर्ष पूरा कर चुके मजदूरों को आज दिन तक पक्का नहीं किया जा रहा है। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि माननीय श्रम न्यायालय धर्मशाला ने भी गत दिनों प्रदेश में 51 मजदूरों को पक्का करने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार उन आदेशों की भी अवहेलना कर रही है कि जिस भी मजदूर ने 8 साल पूरा कर लिए हैं उस मजदूर को पक्का किया जाए,
और जोगिंद्रनगर मंडल के अंदर पिछले 15-15 सालों से 16-16 सालों से मजदूर दिहाड़ीदार के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उस मजदूर को 16 साल के बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा है। लेकर के गए थे केस को श्रम विभाग के पास, उसके बाद वो श्रम न्यायालय धर्मशाला में केस चला। 51 मजदूरों को पक्का करने का आदेश श्रम न्यायालय धर्मशाला ने दिया और ब्रेक पीरियड को सीनियोरिटी में जोड़ने का आदेश दिया, लेकिन प्रदेश की सरकार और लोक निर्माण विभाग उस आदेश की उल्लंघना कर रहा है, उन मजदूरों को पक्का नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर हो गया है और मजदूर मई महीने के अंत में लडभड़ो स्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव करेंगे और जून महीने में जोगिंद्रनगर मंडल के अधिकारियों का। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी मजदूरों को नियमित नहीं किया जाता तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एक तरफ प्रदेश की सरकार ये घोषणा करती है, बार बार ऐलान करती है, ढिंढोरा पीटती है कि जिस भी मजदूर के 8 साल पूरे हो गए हैं उन मजदूरों को पक्का किया जाएगा, लेकिन जोगिंद्रनगर के अंदर 15-15, 16-16 साल के बाद भी मजदूरों को पक्का नहीं किया जा रहा है। तो हम जिस मेलन में योजना बना रहे हैं कि एक तो जोगिंद्रनगर के अंदर 25,000 हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएंगे मजदूरों के समर्थन में, और मई महीने के आखिरी सप्ताह में लडभड़ो सब डिवीजन में घेराव किया जाएगा, और इसी तरीके से जून के महीने में जोगिंद्रनगर डिवीजन कार्यालय का घेराव किया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री को 25,000 दस्तखतों से युक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा, और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो अगस्त के महीने में जो है शिमला में जाकर के हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। मजदूरों ने चेताया कि उनके साथ किए जा रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल जोगिंद्रनगर। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको गौ सदन में कुत्ते लेकिन आवारा गायें कहां पर। ब्रेक के बाद बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर इन एसोसिएशन विद सदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। मंडी शहर में बढ़ रही आवारा पशुओं की संख्या आम जन के लिए दिन ब दिन परेशानी का सबब बनती जा रही है। गाड़ी वालों का चलना तो दुश्वार हुआ ही है, लेकिन पैदल चलने वाले भी आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मंडी शहर के गौ सदनों की बात करें तो वहां आजकल शहर के कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। पिंजरे में कैद ये कुत्ते अपनी आजादी की रात आक रहे हैं और जल्दी इन्हें आजादी भी मिलने वाली है। जानकर हैरानी होगी जब आपको ये मालूम होगा कि इन कुत्तों को गौ सदन में रखा गया है। जी, ये उसी गौ सदन का दृश्य है जहां सड़कों पर घूमने वाली आवारा गौओं को रखा जाता है, लेकिन मंडी में आलम कुछ और ही है। मंडी शहर से कुत्तों की आबादी को कम करने के लिए इन दिनों गौ सदन में कुत्तों की नसबंदी का कार्य चला हुआ है, जिस कारण गौ सदन आजकल ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर दिया गया है। इस गौ सदन में पहले आवारा गायें हुआ करती थी, लेकिन अब अप्रैल महीने से जो है यहाँ एक कुत्ते का कैबिन बनाया हुआ है और 7 कुत्ते का ऑपरेशन पहले हुआ था और 7 अभी पकड़ के लाए हैं और उनका ऑपरेशन आ जाएगी। गाय अब क्यों नहीं आ? अब जनाब ये तो गाय का जो है मतलब अब तो वो कमेटी जाने मतलब जिला देश जाने मतलब क्यों बेचते नहीं है कि क्या है। गाय तो बहुत है मंडी शहर में। नगर परिषद अध्यक्षा ने भी जब शहर में पसर रही आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लिया तो प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। उपायुक्त मंडी ने भी समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर शीघ्र कार्यवाही के लिए एसडीएम सदर को आदेश जारी कर दिए, लेकिन समाधान फिर भी नहीं हो पाया। पिछले हफ्ते में ही मेरी एसडीएम साहब से और डीसी साहब से फिर बात हुई
तो एसडीएम महोदय को जो आदेश डिप्टी कमिश्नर महोदय की तरफ से हुए थे, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि आज हमने पशुओं में से जो गाय हैं हमारे यहाँ शहर में उनको उठाना है। वो आदेश हमारे यहाँ मैंने अपने एम्प्लॉयियों को भी दिए, गाड़ी भी इकट्ठी रखी और जो ड्राइवर और लोग हमारे पकड़ने वाले उनको भी रोके रखा, परंतु उस दिन से लेकर आज तक वो गाय जो है वहां से नहीं उठाई गई। डीसी महोदय ने एसडीएम महोदय को खल्यार के साइड के ही उठाने के लिए पहले आदेश दिए थे, परंतु वो नहीं उठाए गए। जैसे कि ये कहा जा सकती है प्रशासन की तरफ से नकारात्मक रवैया नगर परिषद की तरफ अपनाया जा रहा है, मैं इस बात को लेके अभी ये स्पष्ट नहीं कह सकती, क्योंकि जो उन्होंने मुझे सहयोग देने की बात कही थी तो वो सहयोग तो अभी मिला नहीं, परंतु लोगों की ये बात सही है कि शहर में पशु बढ़ रहे हैं, इनको रखने की जो व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें अब मैं किसे दोषी दूं और किसे ना दूं ये अलग बात है। अगर मंडी नगर परिषद के पास मौजूदा गांव सदरों की बात की जाए तो इस समय नगर परिषद के पास दो गांव सदर हैं, जिनमें से एक खलियार में है और दूसरा कटौला रोड पर। कटौला रोड पर स्थित गौ सदन में तो कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, जबकि खलियार वाले गौ सदन को शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया गया है। अब बची आवारा गाय, वो हमेशा की तरह नीले गगन के तले अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार कर रही है। शायद ये भी ऊपर वाले से यही दुआ कर रही होंगी कि अगले जन्म में कुछ और बना देना, पर गाय कभी ना बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। चलिए तो इसी के साथ हमारा एक नजर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जाने से पहले एक नजर कार्यक्रम के दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश भर से जुड़ी खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ कभी भी कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। ताजा जानकारी के लिए देखते रहे अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत, नमस्कार।